नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के करबला चौक पर, जिसे मुस्लिम का गढ़ माना जाता है। और आज मुस्लिम जो धर्म है उनके लिए आज एक खास पर्व है, कुर्बानी, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। कुर्बानी, ये लोग खुश होकर जो है ये अपने अल्लाह को कुर्बानी देते हैं। इस दिन बकरी, ऊँट और तरह तरह की चीज़ों का की कुर्बानी दी जाती है जी। तो चलिए, यहाँ मौजूद इनसे आज हम जानते हैं कि आखिर कुर्बानी क्यों मनाई जाती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ सजाद खान। कुर्बानी इसलिए मनाया जाता है कि जब हम लोग का पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सपना देखे अल्लाह ताला उसको बोलोगे तुम सुबह अपना औलाद को समझ रहे ना शहीद करना, गर्दन काट के जबह करना। तो अरे उन लोग का वली वाला था, तो सुबह हुआ बेटा को बोला अल्लाह ताला ऐसा ऐसा बात बोला है, तो बेटा सूद गया। अब बोला अब्बू आप आँख में पट्टी बांध लीजिएगा, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, समझे ना। तो जैसे ही पट्टी बांध के काटे खोजा ना, तो दुम्बा भेड़ा आ गया इसी ऊपर से। तो अब एक पट्टी खोलता देखता अपना बेटा खड़ा है और दुम्बा कट गया। बस यही है वाकई है। हाँ, तो आप लोग क्या क्या चीज़ की कुर्बानी देते हैं आज के? आज के दिन किन किन चीज़ों की कुर्बानी देते हैं आप लोग? फैमिली का पूरा का, जो मरुम मरुमा है सब का। कुर्बानी किसकी दी जाती है? कची? कुर्बानी किस चीज़ की दी जाती है? सबका होता जैसे उसने अपने बेटे की। हाँ, सबका, फैमिली का, मरूम का, सबका ही मतलब नाम से होता है कुर्बानी। अभी कोरोना चल रहा है, किस तरह से आप मना रहे हैं? बोलो, जैसे मन सिखा रही है। बोलो। कोरोना अपना जगह में, हम लोग अपना त्यौहार बना रहे हैं, खुशी से बन रहे हैं, दोस्त यार से बन रहा है। हाई स्टेट खुला है, सब मॉल खुला हुआ है, मेला लगा हुआ है, घूम फिर रहे, आइस कर रहे। देखिए, इसको कोरोना का डर है। कुर्बानी क्यों मनाई जाती है? क्यों नहीं बनाई यार, ये कि तबर साल भी लॉकडाउन लगा था तो नहीं बनाई। क्यों मनाई जाती है, कैसे? अरे कुर्बानी कैसे मनाई जाती है, नए नए कपड़ा पहनेंगे, कुर्बानी के सबसे पहले नमाज स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आपकी आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही रंगीन मिजाज में है, आज बारिश हो रही है। इसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेला लगा हुआ है, जो स्थानीय बच्चे हैं वो आज मेले में आए हैं। इधर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं और तरह तरह के खिलौने के सामान है, जो हर साल जब कोरोना संक्रमण नहीं था तभी यहाँ पर मेले लगते थे, बहुत ज़ोर शोर से लोग खरीदारी करने आते थे। सर, आपका दुकान है ये? तो यहाँ पर देखिए दुकान लगी, चलिए दुकानदार से जानते हैं कि हर साल ये लोग मेला लगाते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान लगाई गई है, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ के दुकानदारों का भी कहना कि उन्हें पहले से कई ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो है बकरीद के मौके पर, कुर्बानी के मौके पर यहाँ पर है और बकरीद मनाने के लिए ये लोग बारिश में भी अपने दोस्तों से मिलने आए हैं, बकरीद मुबारक करने आए हैं। तो चलिए इन बच्चों से ही बात करते हैं, जानेंगे कि आखिर आज यहाँ क्या कर रहे हैं। हर साल जिस तरह से कोरोना संक्रमण नहीं रहता था और लोग भारी संख्या में मेले का लुत्फ उठाते थे, मेला घूमते थे, लेकिन अभी भी करबला चौक पर ये मेला लगा है। लेकिन हालांकि ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे, पर जो बच्चे हैं यहाँ के, कुछ स्थानीय बच्चे हैं, वो खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि बारिश भी हो रही है और कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ज़्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि खिलौनों की दुकान है बच्चों के लिए। तो चलिए हम यहाँ के दुकानदार से जानते हैं कि पिछले साल
क्या पानी पड़ रहा है, क्या घाटा हुआ पिछले साल से आप लोग बिक्री नहीं है जब कोरोना, तभी ना सरकार बात सुनेगी, तभी ना आप लोग के लिए कुछ रोजगार लाएगी। तो देखा आपने यहाँ पर ये जो बच्चे थे ये जोर शोर से कुर्बानी मनाते हैं, इन्होंने कहा कि किस तरह से ये क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ की कुर्बानी दी जाती है। खास करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेला लगा हुआ है, चारों तरफ लोग भीड़ में हैं। जैसा कि सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस दी गई थी, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया था, हालांकि काफ़ी कम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाई हुई है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगी कि आप दिखाएं चारों तरफ कि बच्चे हैं लेकिन किसी ने भी कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं की है, एक भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाई है। इस तरह से कुर्बानी मनाई जाती है रांची के करबला चौक में, और ऐसे में जब सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने को कहा गया है तो भी यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे किस तरह से झूलों पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बारिश भी अब थोड़ा खत्म हो चुका है और बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। इधर पहले बोलिए, आज कुर्बानी है, किस तरह से आप लोग मना रहे हैं? हम लोग इंजॉय करके मना रहे हैं, लेकिन बच्चे सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन भी दी गई है, मास्क लगाना, अपने मास्क भी लगा रहे हैं। अरे लगा रहे पॉकेट में। अच्छा ठीक है, उतना लंबा नहीं जाने का। तुम कैसे कैसे मना रहे हो कोरोना संक्रमण? हम लोग ने कैसे बकरीद मना रहे हो, क्या क्या किए हो आज सुबह से? आज सुबह से इंजॉय कर रहे हैं, सुबह से झूला, बारिश भी हो रही है, फिर भी आप लोग झूले हैं, क्या करेंगे? नहीं छुड़िए बारिश, घूमे गए थे कहीं? हाँ घूमे थे, हाई स्टेट गए, हाई स्टेट गए थे। क्या क्या खाए आज, क्या क्या हुआ बकरी? आज आइसक्रीम खाए, फुचका खाए, सब चीज खाए। और घर पे किस तरह से मनाया जा रहा है, बड़ों से आशीर्वाद लिए, क्या क्या किए? क्या चीज बड़ों से मिले, क्या क्या मिला? ईदी मिला या क्या मिला? ईदी मिला, कोई कोई चॉकलेट दिए, बहुत कुछ कुछ दिए, कोई घड़ी दिए। घड़ी देख सकते हैं बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ पर इन्हें बकरी भी मिली है, और यहाँ पे कई बच्चे आ देख सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी है, और ये झूले झूलने आए हैं अपने अपने भाई बहन के साथ। सभी आइसक्रीम और ये सब के ठेलों पर आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ है, बच्चे आइसक्रीम और फुचका खाने के लिए हैं। ऐसे ही आज के दिन बकरीद मनाई जाती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ, मैं कीर्ति सिंह कैमरा पर्सन विभाग के साथ।